अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाबी चस्का में आज हम आपके लिए लाए हैं समोसा बनाने का तरीका। तो नाज़रीन, सबसे पहले समोसा बनाने के लिए हमें इसकी डो तैयार करनी है। उसके लिए हमें चाहिए एक प्याली मैदा, खाने के 2 चम्मच घी, यहाँ पे हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, पानी हसबे ज़रूरत, आधी खाने की चम्मच सफ़ेद जीरा और आधी खाने की चम्मच नमक। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम मैदे को एक बाउल में डालेंगे। इसमें हम 2 खाने के चम्मच घी डाल देंगे ऐसे, आधी खाने की चम्मच सफ़ेद जीरा और आधी खाने का चम्मच नमक डाल के इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। फिर हसबे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करके हम इसकी डो को तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको बहुत नरम नहीं गूंदना, थोड़ा सा सख्त गूंदना है। देखिए नाज़रीन, उसको हमने अच्छी तरह से घूम लेना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, थोड़ी सख्त सख्त डो तैयार करनी है। इसको हमको अब ये तैयार करके कुछ देर के लिए इसे रख देंगे ताकि ये हमारी डो अच्छी तरह से राइज हो जाए। ये तो नाज़रीन हमारी डो तैयार हो चुकी है। जब तक ये राइज होगी, हम इसका मैदा जो समोसे भरने के लिए हमें चाहिए वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो आलू बॉयल करके इसको मैश कर लेने हैं, प्याज 2 अदद दरमियानी साइज़ की बारीक काट लें, काली मिर्च पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च 1/2 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, 1/2 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च। तो नाज़रीन, हम एक बाउल लेके इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद काली मिर्च पाउडर, नमक 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च, गरम मसाला पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, 1/2 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च डाल के इस सारे मैदे को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाजरी
है मेरा, हमारा अमेजा बिल्कुल तैयार हो गया है समोसे भरने के लिए। इसको हम ढाम के साइड पे रख देंगे। ये तो नाजरीन हमारा मैदा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसमें सर के पेड़े बना लेंगे। ये तो नाजिम हमने मिले के बॉल बना लिए। अब हम इसको चकला बेलन की मदद से बेल लेंगे। हमने बिल्कुल पतली सी इसकी रोटी बेल लेंगे। जी तो नाज़रीन छुरी की मदद से हमने इसके दो पीस कर लिए। इसको हमने इस तरह से समोसे की शेप दे देंगे। चम्मच की मदद से मसाला भर देना है। और इसका मुंह अच्छी तरह से हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस कर लेना है। इसी तरह से आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से दबा देना है।
इसी तरह हमने सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। जी तो नाज़रीन, हमने तमाम समोसे तैयार कर लिए हैं। अब हमने एक पैन में ऑयल गर्म करना है। जी तो नाज़रीन, हमने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम वन बाई वन करके समोसे डालेंगे। इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। बिल्कुल इस तरह से, और हमने इसे ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ पे हमारी हमें तेज़ आंच नहीं चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता इसे पकाएंगे। तो नाज़रीन, हमारे समोसे लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। हमें ऐसा अच्छा पलटी लेना है। तो नाज़रीन, ये ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इनका हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जी तो नाज़रीन, खस्ता और गरम गरम समोसे तैयार हैं। से रायते और कैचअप के साथ नौश फरमाएं। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार क्रिस्पी से समोसे तैयार हुए हैं। इस घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में, और ख़ुसूसन रमज़ान आने वाला है उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही समोसे तैयार करिए अफ्तारी के वक़्त। और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। नए आने वाले व्यूवर्स को हम बताते चलें कि हमारे चैनल पंजाबी चस्का को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें, और साथ दिए हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।